इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त है सबसे बड़े इलेक्शन शो अब की बार किसकी सरकार का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव की लेटेस्ट खबरें। शुरुआत आज की तीन बड़ी खबरों के साथ कर रहे हैं और आज की सबसे बड़ी खबर पंजाब से ही है, जहां पर कैप्टन विरोधी गुट एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है। जी हां, कांग्रेस का अंदरूनी घमासान तेज हो गया है। सिद्धू और कैप्टन में आर पार की जंग छिड़ गई है। आज पंजाब में कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, जिसमें सिद्धू कैंप अमरिंदर के तख्ता पलट का चक्रव्यूह रचने में जुटा हुआ है। पूरी खबर बस अब से कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे। और आज की दूसरी बड़ी खबर पर भी एक नजर डालिए। अयोध्या में बीजेपी का ओबीसी मंथन। जी हां, जहां मिशन 2022 के लिए बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है, अब की बार फिर बीजेपी सरकार के मिशन में जुटी पार्टी आज से दो दिन तक अयोध्या में ओबीसी मंथन कर रही है। इन दो दिनों में पार्टी का ओबीसी मोर्चा सबसे बड़े वोट बैंक को अपने पाले में खींचने के लिए या बनाए रखने के लिए प्लान को अंतिम रूप देगा। ये भी खबर आपके सामने रखेंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर पर भी एक नजर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ बिहार की वीआईपी। जी हां, आज प्रयागराज में बिहार में एनडीए सरकार में शामिल वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने एसबीएसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की है। इस मुलाकात में क्या हुई है बात, पूरी खबर डिटेल में आगे बताएंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर तो पंजाब से ही है। पंजाब में इस वक्त विधायक दल की बैठक से पहले कैप्टन और सिद्धू के खेमे में जंग तेज हो गई है। जी हां, पंजाब की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर, सलाहकारों का बड़ा हमला हुआ है। पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का सही समय है, ये एक बड़ा बयान आया है मुस्तफा की ओर से। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार हैं ये। सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है वो आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। उन्होंने पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का ये सबसे सही वक्त बताया है। मुस्तफा ने लिखा कि 2017 में पंजाब ने कांग्रेस को 80 विधायक दिए, लेकिन दुख की बात यह है कि कांग्रेस के लोगों को अब तक कोई कांग्रेसी सीएम नहीं मिला। 4.5 साल के बाद अब पार्टी को खुद का सीएम चुनने का वक्त मिल गया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता पुनीत परिंजा जुड़ गए हैं। इस बड़ी खबर पर हम सीधा उन्हीं से चर्चा करते हैं। पुनीत, विधायक दल की बैठक में क्या होने वाला है, उसका तो लगता है ट्रेलर पहले ही सामने आ चुका है। देखिए, जाहिर तौर पर विधायक दल की बैठक में क्या होगा उसका लबोलुभाव पहले ही सामने आ चुका है। मोहम्मद मुस्तफा जो कि सलाहकार हैं नवजोत सिंह सिद्धू के, उन्होंने एक ट्वीट किया है और वहीं एक खबर ये भी आ रही है कि आला कमान की तरफ से कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास ये संदेश जा चुका है कि उनको रिजाइन देना पड़ सकता है। हालांकि ये खबर जो है वो सोर्सेज के हवाले से है, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पे अब नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुलजीत नागरा जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उसके अलावा प्रगट सिंह जो है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और उसके साथ ही सभी कांग्रेस सांसद जो है उनको जो जहां जहां भी है उनको चंडीगढ़ पहुंचने के लिए कहा गया है। कांग्रेस सांसदों को भी कहा गया है, यह भी एक खबर सामने आ रही है। लेकिन बहरहाल अगर शाम 5 बजे की अगर हम बात करें तो 5 बजे अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह यहां पर पहुंचते हैं तो तब यह खबर होगी कि हो सके कि वो पूरे दल और बल के साथ यहां पर पहुंचेंगे। अगर वो नहीं पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर यह होगा कि उनके पास विधायक जो है वो नहीं है, इसलिए वो यहां पर नहीं आएंगे। यह भी एक नजर रखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल भी आपसे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो विधायक दल की मीटिंग से पहले खबर आई है, दोनों खेमों में हलचल तेज हो गई है, जिसका जिक्र पुनीत परिंजा भी कर रहे थे। कैप्टन ने दोपहर 2 बजे अपने समर्थक विधायकों की मीटिंग बुलाई है और कैप्टन ने 2 बजे अपने समर्थक विधायकों की यह मीटिंग बुलाई है और सूत्रों के मुताबिक यह मीटिंग उनके फार्म हाउस पर होनी है। दूसरी तरफ सिद्धू कैंप की तरफ से भी विधायकों को फोन किया जा रहा है। सिद्धू के मुताबिक और सूत्रों के मुताबिक सिद्धू कैंप अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में है। अब इंतजार विधायक दल की मीटिंग का है। शाम 5 बजे विधायक दल की मीटिंग होनी है और कांग्रेस ऑफिस में ये मीटिंग होगी। अब सबकी निगाहें इस मीटिंग पर टिकी हुई हैं। इस मीटिंग में क्या होगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा, आला कमान के मन में क्या है, क्या आला कमान वाकई में कैप्टन को हटाने के बारे में सोच रहा है, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या नवजोत सिंह सिद्धू को लाया जाएगा, प्रबल दावेदार और कौन हो सकते हैं, क्योंकि कई सारे नाम इसलिए भी चल रहे हैं। आज जैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, वहां कैसे हलचल मच गई, चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, देखिए।
कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं यहां पर कि वो यहां पर पहुंचे, हालांकि वो मीडिया से बात इस समय नहीं कर रहे हैं। और ये जो हलचल है ये कांग्रेस मुख्यालय में इस समय बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दे चुकी है। हालांकि 5 बजे मीटिंग होनी है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो पहले ही यहां पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो है नवजोत सिंह सिद्धू यहां पर पहुंचे हैं। और ये हलचल जो है अब कांग्रेस मुख्यालय में अब शुरू हो चुकी है यहां पर। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात यहां पर नहीं की है, और इस तरह से अब धीरे धीरे करके अभी नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे हैं, थोड़ी देर में और भी विधायक जो है नवजोत सिंह सिद्धू गुट के वो भी यहां पर पहुंचने शुरू होंगे। और जो हलचल है वो इस समय कांग्रेस जो पंजाब कांग्रेस का ऑफिस है उसमें बढ़नी शुरू हो गई है कुछ ही देर में, क्योंकि आज शाम 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है, और उससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू अपने मुख्यालय में यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू गुट की तरफ से ही ये विधायक दल की बैठक की मांग जो है वो की गई थी। बहरहाल अब यहां पर धीरे धीरे जो है और भी गाड़ियां देख सकते हैं आप, यहां पर पहुंचनी शुरू हो चुकी हैं, और भी यहां पर लोग जो हैं वो यहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। यहां पे तमाम ये हलचल आप देख सकते हैं, ये कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की ये हलचल है। और ये तमाम जो लोग हैं अभी, क्योंकि शाम को 5 बजे यहाँ पर CLP की मीटिंग होनी है, उस लिहाज से यहाँ पर हलचल जो है वह बढ़नी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर सिस्मा फार्म हाउस की बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरह की हलचल जो है वो देखी जा सकती है। और वहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने गुट के जो विधायक हैं उनके साथ बैठक यहाँ पर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कुमार विक्की के साथ पुनीत प्रिंजा, India TV, चंडीगढ़। हमारे साथ अब संवाददाता विजय लक्ष्मी भी जुड़ गई हैं इस बड़ी खबर पर। विजय लक्ष्मी, मीटिंग तो बुलाई गई है और इस वक्त दोनों ही खेमे अपनी अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं, आपके पास इंटरनल सोर्सेस से क्या रिपोर्ट मिल रही है? देखिए मीनाक्षी, जो इंटरनल सोर्सेस से जो जानकारी आ रही है वो यही आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार दबाव जो है वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर जो सेंट्रल लीडरशिप है उस पर बना रहे थे। और ये इस तरह का फीडबैक जो है वो केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया जा रहा था कि राज्य में चेंज ऑफ गार्ड जो है चुनाव से पहले करना बेहद जरूरी है। जो नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे के जो तमाम लोग हैं उन्होंने पहले इनफैक्ट एक चिट्ठी भी लिखी, इस तरह की भी चीजें जानकारी जो है वो सूत्रों से आ रही है। अब जो है अब आज क्योंकि 2 ऑब्जर्वर केंद्र की तरफ से नियुक्त किए गए हैं, विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है, तो इशारा साफ तौर पर उसी ओर है कि जल्द के आज शाम तक शायद केंद्र नेतृत्व जो है वो कोई फैसला ले पंजाब को लेकर। क्या चेंज ऑफ गार्ड पंजाब में होगा ये जरूर देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इस बीच तमाम तरह के नामों की भी एक सूची जो है वो आने लग गई है सूत्रों द्वारा, जो कंटेंडर है या जो अगले मुख्यमंत्री जो है वो हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम अभी हम देख रहे हैं मीनाक्षी, उससे तो यही लग रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी अब बहुत ज्यादा देर तक नहीं बची रहेगी आज शाम तक। लेकिन फिर भी हमें इंतजार करना पड़ेगा 5 बजे की ये जो विधायक दल की बैठक है, इसके बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। लेकिन तमाम जो घटनाक्रम है वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर कांग्रेस पार्टी पंजाब की जो कमान है वो किसी और के हाथ में सौंप सकती है। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विजय लक्ष्मी आपका। तो शाम 5 बजे तक आप इंतजार कीजिए, जब विधायक दल की बैठक शुरू होगी तब तस्वीर और साफ हो पाएगी। आज की मीटिंग से पहले सिद्धू कैंप के बड़े चेहरे प्रकट सिंह का रिएक्शन भी सामने आ गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, CM की कुर्सी रहेगी या जाएगी, उससे पहले आप ये सवाल देखिए। ये सवाल क्यों? क्योंकि एक के बाद एक ऐसे बयान आ रहे हैं, कैप्टन को हटाने पर कमेंट नहीं कर सकता, ये कहना है प्रगट का। जी हाँ, आपको सुनाते हैं कि प्रगट सिंह ने और अपने बयान में आखिर क्या कहा। पार्टी दियां जिहड़ियां इंटरनल पॉलिसीज हैगियां जां उन्हें ते डिस्कशन कर ली यह मीटिंग हैगी है। काटो क्लेश नहीं, काटो क्लेश ही कहा जा सकता है इसको। मैं इसको काटो क्लेश नहीं मानता, मैं तो ये कहता हूं कि देखो हर आदमी का व्यू पॉइंट है, उसको CLP की मीटिंग में बुला के सुन लेना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप मानते हैं कि आज उतार दिया जाएगा? नहीं, मैं इसमें कुछ मैं कमेंट नहीं कर सकता इसके ऊपर। बड़ा फैसला लिया जा सकता है, इसीलिए तो ये मीटिंग बुलाई गई है क्योंकि काफी लंबे आपसे आप और आपके जो दोस्त थे वो लगातार डिमांड करते हुए आ रहे थे। नहीं, सारी डिमांड कर रहे हैं कि हाँ CLP की मीटिंग होनी चाहिए, और कोई ऐसी कोई अननेचुरल वो बात नहीं है। और मेरा ख्याल इसको आपके पास विधायकों का बहुमत है? नहीं, विधायक तो 80 हैं,
हाँ 80 में से आपके पास कितने विधायक गुट हैं? देखो गुट की आप फिर गुट की बात करते हो यार, मैं इश्यूज की बात करता हूँ। मैं बन ही चुके हैं, नो देयर इज नो गुटबंदी, देयर इज नो गुटबंदी। टीएलपी की मीटिंग जो हमारे इश्यूज है, जो पेंडिंग इश्यूज है, उसको डिस्कस करने के लिए ये मीटिंग है। बेसिकली विधायकों ने चिट्ठी लिखी थी, पर वो काफ़ी दिन पहले लिखी थी, उसके बाद अखबारों में कई कुछ आया, बट वो सीएलपी की मीटिंग बुला ली है ताकि हम पार्टी लेवल पे डिस्कशन कर सकें। तो इस्तीफा मंगया गया, की कहना चाहोगे? सीएलपी की मीटिंग है तो अलावा नहीं मैं पता, लेकिन क्योंकि मीटिंग मैं सवेरे आया, अरेंजमेंट्स देखने और देखते हैं अरेंजमेंट्स को। सर जिहड़ा कहिंदे ने कि मैसेज आ चुका है, नाम भी चलने शुरू हो गए, सुनील जाखड़ दा, सुनील शर्मा दा, अंबिका सोनी दा, कि इन्हां नूं नवां चेहरा बनाया जा सकदा है? अजय माकन जी आ रहे हैं, मेरे को बाकी किसी का नहीं पता, क्योंकि हमारे इंचार्ज को गगन पीछे कर ले, और मैंने तो जो रात तक सुना था वो यही सुना था कि हरीश रावत जी आए। विधायक दल की बैठक में जो दो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं उनमें से एक है अजय माकन। आज की बैठक को लेकर जब अजय माकन से सवाल पूछे गए तो वो सवालों से बचते नजर आए। सर आज की मीटिंग के बारे में कुछ नहीं, अभी अभी बस पंजाब जा रहे हैं, तो 5 बजे वहाँ पे विधायक दल की मीटिंग है। कौन कौन शामिल होगा सर? अब ये मैं नहीं जानता, लेकिन विधायक दल की मीटिंग, विधायक दल की मीटिंग। सर ये लगातार जो चल रहा है घमासान, कब थमेगा ये? कोई सर लगातार पर कोई घमासान नहीं है, सब ठीक है। अगर घमासान नहीं है तो ये बार बार कलह क्यों सामने आती है? जाहिर है सवालों से बच रहे हैं अजय माकन। कांग्रेस में कलह के नए चैप्टर का अपडेट आपको बता देते हैं। पंजाब में कांग्रेस विधायक दल की आज मीटिंग है, आला कमान के ऑर्डर पर आज इस अहम बैठक को बुलाया गया है। चंडीगढ़ में आज शाम 5 बजे विधायकों की मीटिंग होनी है। देखिए पंजाब में दरअसल दो कैंप कांग्रेस के भीतर बन गए हैं, एक है कैप्टन अमरिंदर कैंप और एक है सिद्धू का कैंप। आला कमान के ऑर्डर पर आज ये अहम विधायक दल की मीटिंग होने वाली है। अजय माकन को आपने सुना, वो मीटिंग के लिए निकल चुके हैं। चंडीगढ़ में शाम 5 बजे विधायकों की मीटिंग होनी है। अजय माकन और हरीश चौधरी केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर इस मीटिंग में शामिल रहेंगे। कैप्टन विरोधी कैंप की चिट्ठी के बाद ये मीटिंग बुलाई गई है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव भी इस मीटिंग में लाया जा सकता है। और दरअसल ये कुर्सी छीनने की तैयारी है कैप्टन अमरिंदर की, लेकिन अब देखना यह है कि कैप्टन अमरिंदर के खेमे में कितने विधायक हैं और जो उनके साथ खड़े हैं क्या वाकई में वो इतनी मजबूती के साथ हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले आपने आपको प्रगट सिंह की भी बात सुनाई थी। बीते कई दिनों से विधायकों के संपर्क में है ये बागी गुट और उनसे चर्चा की जा रही है। भले ये कहें कई सारे इश्यूज हैं, अब वो इश्यूज जो हैं अपने पसंद के लोगों का अगर नियुक्ति नहीं होती है तो एक विचलित होना शायद इन नेताओं के बारे में कहा जा सकता है। और एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि जो बागी गुट है वो कैप्टन अमरिंदर को पसंद नहीं कर रहा है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कल देर रात करीब 12 बजे आज की मीटिंग को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, AICC को बड़ी संख्या में विधायकों की अर्जी मिली। पंजाब कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग की मांग की गई। 18 सितंबर को शाम 5 बजे विधायक दल की यानी आज मीटिंग होनी है। चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के जितने कार्य समिति के ऑफिस है वहां पर बैठक होनी है और AICC के पंजाब प्रदेश कांग्रेस को मीटिंग कराने का ऑर्डर दिया गया है। सभी विधायकों को मीटिंग में शामिल होने का निर्देश भी दे दिया गया है। अब गुजारिश कहिए या निर्देश कहिए, क्योंकि मीटिंग बुलाई गई है तो सभी लोगों का हाजिर होना भी जरूरी है। कैप्टन के खिलाफ काफी समय से उनकी सरकार में मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सुखबिंदर सरकारिया और चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के महासचिव प्रगट सिंह ने मोर्चा खोला हुआ है। हम सभी के चेहरे और नाम यहाँ पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के ये करीबी माने जाते हैं और जो इस वक्त एक गुट बन रहा है वो अब बताया जा रहा है कि सिद्धू कैंप का गुट कहीं ना कहीं हावी होता जा रहा है। और अगर कैप्टन अमरिंदर की कुर्सी जाती है तो इनमें से कुछ नाम ऐसे भी है जिनकी चर्चा की जा रही है, शायद उन तक ये कुर्सी ट्रांसफर हो सकती है। आपको पंजाब में कांग्रेस का अंदरूनी समीकरण पहले समझाते हैं। कांग्रेस के 80 विधायक हैं, इनमें से अब 40 विधायकों के सिद्धू गुट में होने का दावा किया जा रहा है। सिद्धू गुट के मुताबिक
आला कमान को जो चिट्ठी लिखी गई थी उस पर 40 विधायकों के हस्ताक्षर थे। अब आप देखिए कुल संख्या विधायकों की कितनी है, 80 विधायकों की संख्या है। सिद्धू कैंप में अगर 40 चले जाते हैं तो कहा यह जा रहा है कि कैप्टन कैंप में 40 है, लेकिन ये 40 भी कितने मजबूती से खड़े हुए हैं ये एक संशय बना हुआ है जो विधायक दल की मीटिंग के बाद ही साफ हो पाएगा। अविश्वास प्रस्ताव की हालत में विधायक दल की मीटिंग के लिए चिट्ठी पर दस्तखत करने वाले सारे विधायक कैप्टन के खिलाफ जाएंगे ये तो तय है, लेकिन अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी है, हम इंतजार करना होगा शाम 5 बजे तक का। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान से जुड़ा हुआ एक और अपडेट आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है, आप देख रहे हैं अब की बात किसकी सरकार। इस वक्त की एक और बड़ी खबर पंजाब से ही जुड़ी हुई है जहां पंजाब कांग्रेस में भूचाल मचा हुआ है। अभी अभी चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के दफ्तर में नवजोत सिंह सिद्धू बाहर निकले और उनके साथ परगट सिंह और कुलजीत नागरा भी दफ्तर से निकले। तीनों कहां गए हैं फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन आज शाम 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, उससे पहले आपस में मुलाकात होना, चर्चा होना और अपने गुट को मजबूत करना, शायद इसी कवायद के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। और इसी खबर के साथ फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखा देंगे नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।